ये मालिक लोग भी ना सुबह सुबह फोन सुबह सुबह उठा देते हैं। ये नहीं कि कुछ काम अब खुद ही कर रहे। हेलो हेलो अरमान जी, मैं अरमान नहीं हूँ। तो कौन है आप, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है फखरुद्दीन अहमद अंसारी, बिजनौर वाले। आप कौन से वाले बोल रहे हैं? सॉरी शायद फोन नंबर लग गया। सॉरी, हेलो हेलो, अजीब इंसान है, सुबह सुबह फोन करके डिस्टर्ब कर दिया और अपना नाम भी नहीं बताया। ये तो गलत बात है भाई। या अल्लाह, बात करा दीजिए। अरे भाई, इस नाम का हमारे घर में कोई नहीं रहता, सुन लिया आपने? आपके पड़ोस में रहता होगा। अरे भाई, मेरे पड़ोस के पड़ोस में भी नहीं रहता इस नाम का। सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। अरे भाई साहब, सॉरी डे है क्या? हेलो हेलो, कैसे कैसे गवार लोग रहते इस दुनिया में। अरे भाई, नंबर मिलाना नहीं आता तो मिलाते जी क्यों? जिस दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, उस दिन सोचा जाएगा।
चंदा मांगने के लिए। बोलते हमारी घर पर नहीं है। लेकिन तो आप घर पे ही हो। मैं तो झूठ नहीं बोल सकता क्या? सुबह सुबह झूठ बोलना गुनाह होता है मालिक। तू जाता है लगाऊं दो कान के नीचे। जा रही हूँ कभी तो कहा मेरे काम में पैसे खर्च कर दिया करो। क्या बोला? कम कर। क्या हुआ बेगम? मुझे गुस्सा आ रहा है तो आने दीजिए। मैं जहर खरीदने जा रही हूँ। क्यों भाई? शहर के दाम भी गिर गए क्या बेगम? मालिक मैन गेट साफ कर दिया। एक काम करिए यहाँ की सफाई कर दे। जी यही पहलू से पांच रुपए से नींबू लेके आना है।
पानी का छड़ी काश ये दोनों ही पागल हो जाती है, घर ही मेरा हो जाती। जी आपकी तारीफ। तारीफ उस खुदा की जिसने हसीनाओं को बनाया। आप हसीना तो नहीं लग रहे। खूबसूरत लड़की को बना कर लाओ। क्यों राखी बनवानी है क्या? मेरे हुक्म की तामील करो। क्या करो? अबे तामील तामील। जाओ। अच्छा अच्छा आप अपना तशरीफ का टोकरा वहां रखिए। अभी आया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? पहले आंखें बंद करो। ये मेरे लिए। शुक्रिया। किसा? आज मत होश हुआ जाए। मालिक लोग भी ना बहुत काम करवाते हैं। आज तो मैं आराम करूंगा। आदाब। आदाब कहिए जनाब। जी मेरा नाम प्यारे लाल है। जरूर होगा। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए बैठिए, आपके लिए तो सोफा लगवाया गया। शुक्रिया। मैं नट मैं के खास काम से आया था। खास काम? मतलब ये चंदा मांगने आया है? निकलो निकलो, चंदा नहीं है। मेरे बात। अरे भाई सुनना करना। सुनिए निकलो। अरे जा रहे हैं, बात तो सुनी हुई नहीं। अरे निकलो। पान किसने तू का बे? किसने तू का? नहीं जी। तो फिर किसने तू का? जो पान खा रहा था उसने तू का। पान तुमने थूका? नहीं मैं कैसे थूक सकता हूँ, मेरे मुंह में तो पान है ना, तो मैं कैसे थूकता हूँ? पान किसने थूका होगा जिसके मुंह में पान नहीं हो? पान तूने थूका ना? अरे जब मैंने पान खाए नहीं तो थूकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर किसने थूका? मेरे आज तक एक बात समझ नहीं आई। अबे जब थूकना ही होता है तो लोग पान खाते क्यों है? अबे कौन हो तुम, शोर क्यों मचा रहे? मेरा नाम ना तो तुम्हारे अंदर शक्ति है ना तुम्हारे सर पे सिंह। किसने तुम्हारा नाम शक्ति सिंह रखती है? जी मैं YCC बैंक को लीड करने का नाम है। उन्होंने बैंक का नाम बताया? जी YCC बैंक। आइए ना हमारे बैंक में चेक करवाइए। 5 साल में रकम दुगनी करने किसकी? जी मैडम 5 साल में रकम दुगनी हो जाएगी, लेकिन रकम उसी की दुगनी होगी जो कम से कम 10 लाख रुपए जमा करेगा। अरे मैडम सोचना क्या है, आपके पैसे 5 साल में जो आपके 10 लाख रुपए जमा हुए वो 20 लाख हो जाएंगे। वही 20 लाख अगले 5 साल में 40 लाख हो जाएंगे। आपकी उम्र से भी तेज रफ्तार से आपके पैसे बढ़ेंगे मैडम। आप लखपति हो जाएंगे मैडम, लखपति। तो फिर मैडम सोचना क्या है, इसलिए हमारे बैंक में आप जैसे लोगों के लिए तो निकालिए हैं। पकड़ो
पकड़ो। आया मार्केट। जल्दी बैंक को पता चल जाए। ठीक है। ये लो मेरे बैंक का पैसा। एक बात बताएं साहब, पैसा कार्ड बहुत अच्छा है। तुम वैसे ये कंजूसों का घर है, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा आप कहीं और जाके सर्वे कीजिए। अबे सर्वे करने कौन आया था यहाँ? तो वो पांच कितने सूखा बे पन तुम्हें क्या डाल रहे सूखा? हाँ हमारे बुजुर्ग लगते हैं इसलिए छोड़ देता हूँ, वरना बल प्रयोग करने हमें भी आता है। शक्ति सिंह नाम है हमारा, शक्ति सिंह। ऑपरेशन चालू किए तब से वही ऑपरेशन तो हमारे घुटने का होना है, लेकिन जब कह रहे थे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। लगता है ये दर्द हमारे साथ ही जाएगा। क्या बात की आपने मुझे? याद किया मार्केट कोई टेंशन नहीं है, तो मैंने याद किया। मार्केट के लिए क्या करते हैं? रात के लिए वाला बड़ा एक अरे नहीं, हम तो कह रहे थे इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। बीमारियाँ दूर भागती है, सेहत बनी जाती है। जब आपको करेले का जूस पीना तो नहीं केले की मुंबई थैली दिया नहीं, पैसे मांग रहा था। और वहाँ अपना दिमाग मत लगा कर जांच की जरूरत ना हो, समझा? इसे भी ले जा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं अभी जाता हूँ। रोड का ही कहाँ है तू? बोल मुंह चला कर दे, बंद कर दे अभी। इसने आपसे पहले हम खा लेंगे। अच्छा ये चाहते हैं कि इनकी और
मेरी शादी हो जाए। क्यों? जी क्यों मियां, यही बात है जी? यही बात है मियां। तो आप हमारी बेटी से शादी करना चाहते हैं? जी इधर देखिए, आई आई बहुत प्यार से बातें करते हैं। जरा अपना ये हुलिया तो देखिए, ये सफेद दाढ़ी तो देखिए, ये पैंतारी तो देखिए, ये निकलिए पैर में लटके हुए, तो भाई पैर में लटके हुए, निकलो, अरे निकलो, अरे निकलो, अरे निकलते नहीं। इतना साहब बनना भी बहुत अजीब है। आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप आदमी कुछ ठीक नहीं लगे मुझे, ठीक कर दीजिए ना। आप दूरों के बात कीजिए ना। सॉलिंग जो है ना, सिर्फ अब एक बात बताइए, अब जनाना है या जनानी? मैं पूछी मेरी कहानी, हैदराबाद में रहती थी मेरी नानी, और बेंगलोर में मुझ पर जवानी, मैं डॉक्टर हूँ नानी। आपकी हरकतें हैं बहुत शैतानी। आपका जल्दी से बताइए किस काम से आई हैं, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूं। अरे बताता हूँ कुछ सवाल करते हो, मैं यहाँ किस्ता लेकर आया। किस्ता? मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, आप दूसरों के बारे में तो ऐसे आदमी है। निकलो निकलो, निकलते क्या हो रहा है यहाँ पर? वो आप आइए। और आप कौन हैं? माय नेम इज अरमान। तिजा तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो अरमान तुम्हारे साथ मैं पढ़ा करता था, तो पीछे वाली सीट पर बैठा करता था, जिसके रास्ते में कोर्स की किताबें कम और फिल्मी किताबें ज्यादा हुआ करता था। वो अरमान जो हकलाता रहता था? हाँ हाँ वही, लेकिन अब नहीं हकलाता। इसकी अक्सर पिटाई होती रहती थी। हाँ वही, लेकिन बस भी करो। अरमान कितने साल बाद, कहाँ थे इतने साल भाई? जेल में होंगे। मेरा मतलब जेल में होंगे। ये बात नहीं नोटी, मैं कल ही चुक 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 बैंगलोर से लौटा हूँ। यू नो नाउ आई एम इंजीनियर। आप दोनों बैठ कर बातें कीजिए, मैं चाय बना कर लाता हूँ। एकदम कड़क चीनी रोक कर देखो।
में गुस्सा हम खिलाइए बताई दे रहे हैं आपको। क्या कर लेंगे आप, किसी काम के भी हैं आप तो किसी काम के हैं। सही अपना काम कीजिए। अपना काम ही करने आए आपको पता तो होगा कि लड़कियां सियानी हो गई। हाँ हमको खबर है। उन लड़कों से बात करने लगी है। अरे हमको ये भी खबर है। उन लड़कों से छुप छुप कर मिलने लगी है। अरे भाई हम हमको सब बात की खबर है। जब आपको सब बातों की खबर है तो अखबार क्यों मंगवाया? डांटते रहते मालिक कहीं का। लड़कियां घर से भाग जाएंगी। तो एक काम कीजिए, घर की चार दीवारी को ऊंचा करा दीजिए, फिर लड़कियां नहीं भाग पाएंगी। कुछ कहना ही बेकार है। तो कहती क्यों है? अपनी इज्जत को भी फिक्र नहीं है। इज्जत की रोज हमने उसी रोज छोड़ दी थी जिस दिन आपके घर दूल्हा बनकर आए थे। कैसा शौहर मिला मुझको। अरे बेगम सुनिए तो, अरे बेगम बेगम को लगता है हमें किसी बात की फिक्र नहीं। अरे भाई दो बच्चों बच्चियों का बाप हूँ, फिक्र कैसे नहीं होगी। सही झूठिया की जाती है बेटियों की शादी में, हमारी हमारी तो फट गई है। बेगम को बता भी नहीं सकते। मालिक बेगम को नहीं बता सकते तो मुझे बता दीजिए। पहले पूरी बात समझा कर फिर बोला कर। तो बताइए तो सही। मुझे तो पता ही है सब, और फिर जवान हो गई है। मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। सुना है उनके कदम भी फेंकने लगे हैं। अजी मैंने तो देखा है। अब जवान है तो कदम तो फेंकेंगे, कब तक उन्हें घर में कैद करके रखा जा सकता है। तो सोचता हूँ कि उनकी जल्द से जल्द शादी करवा दूँ। शादी दोनों के एक साथ करोगे या बारी बारी से? पहले तो सभा की करनी है। अगर वीजा के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो उसकी भी करी दूंगा। तो एक काम क्यों नहीं करते, जिनसे वो छिप छिप कर बातें क्या करती है उन्हें से उसकी शादी करवा दी जाए। कमबख्त वो निकम्मे लड़के हैं, हम खानदानी लोग हैं, खानदानी लड़कों से अपनी बेटियों का ब्याह करेंगे। बात तो सही है, वैसे मैं भी खानदानी हूँ। चलो उठ कमबख्त भाग यहाँ से। तू सबों के सब हैं अपने कमरे में होंगी। भाई कमरे में तो नहीं है। तो गुसल खाने में होंगी। चुप कर, भड़क ढूंढ लिया मैंने, कहीं भी नहीं है दोनों। कहीं भी नहीं है, अब क्या करें? लापता तो नहीं है। लापता अब क्या करें बताओ। चलिए पुलिस स्टेशन चलते, रबड़ की बातें खानों की मदद ले जाते। रुके ये आवाज कमरे में आपको कहेंगे, कानून की मदद करेंगे। ये कानून खुद चलकर आपके सामने आया है। हम लोग इंडिया में ही है ना, ये पहली बार देख रहा हूँ यहाँ की पुलिस इतनी अच्छी होती है। इंस्पेक्टर साहब मेरे दोनों बेटियां लापता हैं। तो मेरी भी दोनों बेटियां लापता हैं। चार बोल रहा चार लड़का लापता है चार अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, चारों लड़कियां। मेरा मतलब दोनों लड़कियां इन दोनों की हैं। ये दोनों की हैं? हाँ, इन दोनों ने मिलके पैदा किया है। तू है कौन? हम फखरुद्दीन अहमद अंसारी हैं, बिजनौर वाले। पूछना पड़ेगा क्या भाई? मुझे मेरे माँ बाप ने नौकरी बना है। हम यहाँ नौकरी करते हैं, नौकर की। हाँ तो तू नौकर है? आप मुझे यूं भूल क्यों रहे? हम तो इसलिए देख रहे थे कि इन्हें किसी पर शक हो। बताइए कैसे खोजे? एक सेकंड, ये तो सभा ऑफिसर की आवाज है, हमें सुनाई दे रही है। हाँ सुनाई दे रही है। अम्मी जान, अब्बू जान, देखो आई, आई ना, अम्मी जान, जल्दी आइए बेगम। दोनों अंदर हैं तो इसका मतलब किडनैपर भी अंदर होगा। अगर किडनैपर अंदर है तो मैं सवाल ना करूंगा। या अल्लाह ये क्या हो रहा है मेरे घर में? और क्या करता भाई, मिल जाकर दूध पी लेती, मालिक मेरे पगार में से पैसे काट लेते और मुझे छट्टी की गोद आ रहा। इंस्पेक्टर साहब कमबख्त को एक बात ढंग के नहीं सुनता ये, हर काम उल्टे करता है।
पे बनी रखी हुई। क्या सब्जी चल गई? अरे तो रूटी तो फोन कर रही हो, उस सब्जी वाले को फोन करो जो शुरू में एक्सपायर डेट वाली सब्जी थी। फोन रखो, बेटर है उन लोगों का पट्टा। अगर आगे से मेरे घर में आया तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा।
अभी मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर आपने सभा की शादी के बारे कहीं और सोचे ना, मैं भी थाने चला जाऊंगा। सभा मेरी बेटी है, मैं जहाँ चाहे उसकी शादी कर सकता हूँ। सभा मेरी माँ चुका है, मैं जब चाहूँ तब शादी कर सकता हूँ। धमकी देकर गया क्या? पता नहीं, मैं इन धमकियों से नहीं डरता। तब मैं कौन सा डरता हूँ? चल चल सभा की खा ले। चलिए ना, ये लड़की घर को बता देगी। अरे आपके प्यार में फाट है ना? अरे आपकी ये बातें कर देती मुझे घायल। आपको मेरी याद नहीं आती है ना? कैसी बात कर रही है? आगे आएगा ना गाड़ी को आगे। हाँ बस अरे जब बारिश हो रही थी तो छाता लेकर आते ना। तुम जा रहे? मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आपकी अम्मी जान इधर ही आ रही है। ठीक है जाइए, काश मेरी भी कोई सहेली होती। एक पल मैं तेरी शादी फिजा के साथ करवा भी दूं।
लेकिन वो तेरा निकम्मा दोस्त अख्तर, उसकी शादी में सभा के साथ कैसे करूंगा? वो तो बिल्कुल निकम्मा है। अगर तुझे रीता के साथ शादी करनी है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? गाने बदला। समझा? अरे बिल्कुल समझ गया। मतलब अख्तर साहब को सभा की जिंदगी से आउट करना है और मुझको रीता की जिंदगी में इन। धीरे बोल, ये बात किसी को कानो कान खबर ना हो। बिल्कुल नहीं होगी। चल निकल, अब चल निकल, निकल जिस घर में तेरे जैसा नमूना लोग करो उसे कबार हंस लेना चाहिए कभी कबार। इस बड़े मियाँ को कहीं इश्क का रोग तो नहीं लग गया? चोरी का क्या करेंगी? सब्जियां काटूंगी। सब्जियां क्या काटेंगी? आप तो आपका गला कटने वाला है। क्या? आपको पता भी है आपके शोहर को इश्क हो गया है? क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपके मियाँ को इश्क का रोग लग गया है। एक औरत से दिखने में तो खूबसूरत है पर चेहरे पर आप जैसी रौनक नहीं है। क्या हो गया? अब तो गई। क्या उम्र उसकी? उम्र में आप तो 4-5 साल छोटी ही होगी। फिर तो मोटी होगी। मोटी तो है। शादीशुदा है? शादीशुदा या तलाकशुदा ये मुझे नहीं पता। पता लगाओ। ठीक है, आप कह रही हैं तो इसका पता भी मैं लगा लूंगा। मन तो कर रहा है कि उस चुड़ैल का मुंह नोच लूं। नाखून मत काटिएगा, इनको बढ़ा कर रखिएगा, मुंह नोचने के काम आएंगे। आपके पैरों में दर्द हो रहा है क्या? दर्द तो ना जाने कहां कहां हो रहा है। अरे लेकिन घर की देखभाल के लिए कौन रहेगा? देखभाल के लिए लड़कियां हैं। और लड़कियों की देखभाल के लिए फकरू है। नाम बताया, अब कुछ और पूछिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? हाँ बताओ क्यों आए हो? मैं
मैं हफीजा का दोस्त हूँ। तो हफीजा से मिलने आए हैं? नहीं समझ लीजिए। लेकिन फिजा तो घर पर नहीं है। ठीक है ना, मैं इंतजार कर लेता हूँ। शाम तक आई। शाम तक आई। जी। ठीक है। फिर मैं चलता। फिर लौटूंगा। हाँ। लड़की मेरा पता नहीं कैसे लड़कों से दोस्ती कर लेती है। ना जाने कैसे कैसे लड़कों से दोस्ती कर लेती है। आप पिता को डांटना और ये आदमी भी घर में दोबारा ना आए इसके लिए ठोस के नंबर डालना। उठा लिया तो इसका तो अब जाओ। जा रहा हूँ कुछ भी दोस्ती समझ नहीं है ये लड़की। पता नहीं किससे दोस्ती करने बैठ जाती है। आदा फलान था पिता भी आ रही है। मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ अख्तर साहब के बारे में एक बात पता चली। कौन सी बात? आपको अख्तर साहब शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। शराब पी कर? हाँ हाँ सुनिए तो, शराब पी के गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, बस लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। हाय अल्लाह कितना बुरा हुआ ना। बुरा तो होगा ही ना, इंजेक्शन लेते हैं जो नशे का। नशे का इंजेक्शन? वो तो नशे की एक चीज नहीं छोड़ते। मैं तो आपकी भलाई चाहता हूँ इसलिए आप बाकी आप खुद संभाल लो। चलता हूँ। ये कच्चा किसका है? पांच ये कच्चा तो मेरा है। आपके पास क्या कर रहा है? अपना कच्चा संभाल के रखा कर। आज दिन तेरा कच्चा उड़ के मेरे आंगन चलाता है, कभी बनियान कभी पजामा तो कभी ये कच्चा। एक दिन मैं भी उड़कर आपके आंगन में आ जाऊंगा। क्या देखिए जनाब, हम नाक मुझ पर चिल्ला रहे, कसूर मेरा नहीं इन तेज बहती हवाओं का है जो मेरे कपड़ों को उड़ाकर आपके आंगन में ले जाती है। लेकिन मेरे आंगन में ही जाओ। ये तो आप अपने आंगन से पूछिए। तू मुझे गुस्सा दिला रहा है? अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं तेरा खून कर दूंगा। जनाब आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तेरा कच्चा हाथ में लेने से अच्छा है कि मैं कानून हाथ में ले लूं। कानून हाथ में नहीं लेकर कानून तुम्हें जेल में डालेगा। इंस्पेक्टर साहब इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जान से मारने की धमकी? जो पता नहीं जान से मारने की धमकी देना कानूनी अपराध है। इंस्पेक्टर साहब मुझे तो सब पता है लेकिन इस फकरू को कुछ नहीं पता। आज दिन अपना कच्चा मेरे आंगन में फेंक देता। इंस्पेक्टर साहब ये दूबा ये कच्चा मेरा नहीं है। किसी का ब्लॉक ठोकर दिया करो। इंस्पेक्टर साहब मैं सच बोल रहा हूँ, ये कच्चा इसी का है। ये कच्चा मेरा नहीं है यार, तुम्हारे पास कोई गवाह सबूत है? हाँ गवाह है, गवाह है मेरी बीवी। इंस्पेक्टर साहब तुम्हारी बीवी को कहिए बेटा ये बच्चा फोन का है। बिना गवाह सबूत पूरी सच नहीं कर सकती। अब तुम डरते हो। अभी तो मैं जा रहा हूँ फकरो, लेकिन आगे से तेरा कोई कच्चा मेरे आंगन में आके गिरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये वैसे भी तुमसे बुरा कोई है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब थैंक यू, पहली बार आप मुझे चले गए। आई सैल्यूट। क्या इश्क होगा बेगम? इसकी बीमारी उम्र देखकर नहीं लगती। तो क्या देखकर लगती है?
खड़ा कि उसी वक्त उस लड़का मुंह नोच लो। अरे लीजिए अब शरबत का दूध पीजिए। बेगम शरबत पीजिए। मुझे कोई शरबत नहीं पीना है। अरे बेगम सुनिए तो। अरे बेगम मान जाइए ना। देखा चलिए आपको छोड़कर भी ऐसी चली जाएगी। कहाँ कम भगत? मैं तो झुक रहा था लेकिन बेगम का पारा और चढ़ जाए और घर का सारा सामान फैल जाए इससे पहले बेगम को मना लो। तू सही कहता है। इससे पहले अरे जाओ यार इससे पहले शरबत को मक्खी चढ़ कर जाए। मैं अपना हम तो ठीक है बाबा। आ ला रूम ला कहिए बाबा ये कोने मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं क्या करूं? क्या तुम्हें सूखी जरा भी दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं उल्टे सीधे काम करेंगे तो एक्सीडेंट ही होगा ना। अरे भाई मेरी गलती नहीं सामने वाले गाड़ी हम धीरे धीरे चला रहा। आप यहाँ आए क्यों हैं? मेरी बात समझ लो तुम यहाँ मत आया करो। चाचा मेरी बात सुन लो मुझे सभा से शादी करनी है। क्यों सभा से शादी तुम बखान क्यों क्या कमी है? बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। क्या कमी है मुझ में? अरे कमी तुझ में नहीं वो तेरे दोस्त फरहान में है। अगर तुझे सभा के साथ शादी करनी है तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। काम कर ला समझा मतलब पिता की जिंदगी से और मैं सभा की जिंदगी में। धीरे बोल ये बात किसी को कानो कान खबर ना हो। किसी को खबर नहीं चल निकल अब तो काम हो जाए। निकल निकल खबर निकल दोनों निकम्मों को अपनी बेटी के जिंदगी से आउट कर दूंगा। आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगे।
भाई मैं इस घर से कहीं नहीं जा रहा, ये रखी है मेरी लाठी और ये रहे आप, बैठ गया। जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेके जाएंगे? बिल्कुल साथ लेके चलूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा फिर। एक ठीक रहेगा, बेवजह मुझ पर शक करती रहती है, पता नहीं कैसी है ये बेगम। अरे तुम्हारे बहू, अरे मैं तुम्हारा बुरी हूँ, किसने कहा तुमसे? इसकी मम्मी भी है, ये कांड मैंने कब कर दिया? मैं तुम्हारा बुरी हूँ, मैं तुम्हारा बुरी हूँ बेटा, अरे मैं तुम्हारा बुरी हूँ बेटा। ए मिर्जा साहब, वो अरे क्या पकड़ लिया मिर्जा साहब, क्या बोल रहे हैं? आपकी बेटी भी है? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी नहीं है बेटा, वो है आपका अब्बू। अरे अरे मिर्जा साहब, कैसे मेरे लेके दो बेटा, मैं अभी बेटा को बुला के ला दो, वो आपकी कमली अभी जा रहा है। ए मेरी माँ, चल इधर यहाँ से, चल रजिया बेटा, रजिया शख्स होंगे जिनकी दाढ़ी होगी।
बाहर होंगे, पर तुम तो ऐसे तो तुम भी अनार के लिए हो। इसका मतलब ये तो नहीं तुम साहिब पोशाक में घूमोगी। सीधे सीधे काम की बात करो। मुझे एक कमरा चाहिए किराए पर। मिल जाएगा, बजट बताओ। 10,000 12,000 में मिलेगा। चलेगा। लाभ कैसे दो? पहले कमरा तो दिखाओ। चलिए मेरे
23 12 ये है पिंक नोट। अच्छा मुझे तूने मेरे पैसे दे, वरना इसकी सारी हकीकतें एक कर देती। और सबसे पहले तेरी चल हट ढीला पंजा। ए झूठे से शक्ल के तू है कौन? हम बगलू के हमदर्द है। मुझे तो तू नामर्द लगता है। अरे चोट तो इतनी लगी है तुम्हें पता नहीं लगता। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। नहीं नहीं, आप तो मुझे तेरा दर्द भी समझ में आने लगा है। आप तो मेरे तीनों हैं और मैं आपकी पसीना। देख बहन, तू गलत पासवर्ड डाल रही है। ओ बहन, तुमने मुझे बहन कैसे कहा? मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? गौर से देखिए मुझे, क्या मैं आपको बहन कैसे लगती हूँ? ठीक कह रहा है, ना तो तेरे अंदर इनकमिंग है ना आउट हुए, तेरी मिसकॉल पे मिसकॉल दे रहा है। लगता है इस दिन आपके साथ बहुत टॉर्चर होता है। मैं आपको इस दुरानी से आजाद कराने के लिए आया हूँ। अबे छोड़, तू मुझे बर्बाद कर रहा है। मैं तेरा क्या हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पाँव पकड़ो। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। खुदा के लिए मैं आपको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि खुदा ही जोड़िया बनाकर भेजता है। मैं भी तो जा रही हूँ। एक नए दिन बहुत परेशान जाऊँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, समझे? फिर आऊंगी। मैं भी तुझे एक बात बता दूंगा, मैं तुझसे कितनी नफरत करता हूँ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या तुम बता सकते हो सभा मुझसे नफरत क्यों करने लगी? अगर सभा आपसे नफरत करने लगी है तो ठीक करने लगी है। क्यों यार, इस दुनिया में प्यार होना ही नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर हम मेरी जगह होते तो समझ पाते प्यार कितना खतरनाक होता है। अगर तुम मेरी जगह होते तो समझ पाते नफरत कितनी दर्दनाक होती। मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, बस दिन भर इधर को उधर पटकता रहता हूँ। एक काम कीजिए, किसी मौलाना के पास जाए, वो जा ढूंग कर आपको ठीक कर देगा। मौलाना नहीं, मुझे मोहतरमा से मिलवा दो। अब तो मुझे बस वही चलता ही हूँ यहाँ से। आपने मेरे वीजा को मेरे खिलाफ भरा। अरे ना आप इसके कान भरते ना वो मुझसे नफरत करती। अबे कान तो तूने भरे सभा के मेरे खिलाफ। जैसे तो आपने इसके कान में लोरिया नहीं सुनाई। तू एक नंबर का कमीना है। तो आप भी तो एक नंबर के लुच्चे हैं। अरे तुझे क्या समझा था तू? क्या निकला? तो मैंने भी तो आपको अपना दोस्त समझा था, लेकिन आप तो एक नंबर के लफंगे निकले। अरे मेरी नजर में तुम दोनों ही लुच्चे लफंगे हो। कुछ नहीं, ये बताओ तुम दोनों लड़के हो रहे हो? ने मेरी सभा झूठ बोलकर भड़काया और इसने मेरी पिता को झूठ बोलकर भड़काया। वही तुमने ऐसा क्यों किया? मिर्जा साहब के कहने पर। और तुमने ऐसा क्यों किया? ये बात मिर्जा साहब ने तुम दोनों का लल्लू बना दिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। तुम दोनों के असली दुश्मन मिर्जा साहब है। मैं ठीक ही कहता हूँ। अब आपस में लड़ने से अच्छा है तुम दोनों लड़कियों के सामने अपनी अपनी गलती मान लो। मैं अभी हसीनाओं को बुला के लाता हूँ। ये क्या? सॉरी यार, शर्मिंदा तो मैम, ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह डाला। सारी मकड़े कहानियाँ और सब जो भी मैंने तुम्हें अख्तर के बारे में कहा वो सब भी झूठ था, झूठी कहानी थी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे अब्बू जान की बातों में आकर। और तुमने मुझे फरहान के खिलाफ क्यों भड़काया? तुम्हारे अब्बू जान की बातों में आकर। मतलब इन सब की पीछे अब्बू जान का हाथ है? हाँ। मैंने
सराफत अली का किरदार।